गायों को भारत देश में धर्म के अनुसार माँ का दर्जा दिया जाता है। 34 करोड़ देवी देवताओं का वास गाय में होता है। कई हिंदू व्यापी संगठनों के द्वारा गाय की रक्षा भी की जाती है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज भी मवेशियों गाय को चंगुल से मुक्त हमें कराना पड़ता है। कई कई जगह तो ऐसा होता है कि बूचड़खाने में गाय को इस तरह भरा जाता है जैसे कचरा पात्र में कचरा की भराई की जा रही हो। संस्कृति और तहजीब के नाम पर सबसे शीर्ष में रहने वाला हमारा भारत देश में अगर कोई गाय की हालत ऐसी करता है तो बाकी देशों में क्या हालत होगी, यह सोचने योग्य विषय है। हालांकि खबर दूसरी है। खबर दूसरी इस प्रकार है कि महानगर नागपुर में मेन रोड पर गाय के बच्चों भैंसों और भैंसों का जमावड़ा रहता है या जमावड़ा इस प्रकार रहता है जिससे मानो कोई मोटर वाहन हो। इंसान और पशु इसमें दोनों की जान के जोखिम में बना रहता है। इस पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं होती? महानगर पालिका प्रशासन इसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं देता? और ना ही कितने सवाल उठते हैं इन क्लब को देखकर। चलिए देखते हैं विशेष रिपोर्ट। प्राप्त जानकारी के अनुसार पता चला है कि महानगर नागपुर के मेन रोड पर पशु गाय भैंसों का जमावड़ा लंबे तौर पर बना रहता है और कई देर तक वह बीच सड़क में बैठे रहती हैं, जिससे आवागमन में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आम जनमानस को यह हादसे का डर भी सताता रहता है कि उनकी मोटर वाहन और पशु में किसी प्रकार की भिड़ंत ना हो। महानगर के मुख्य राहों में गाय गाय के बछड़े भैंस भैंस के बछड़े आदि अपना जमावड़ा लगा कर बैठ जाते हैं। अब देखना यह होगा कि कौन इस खबर की सुध लेता है और महानगर पालिका प्रशासन कब रंग में आता है या इन मवेशियों के मालिक के कान में कब रूह रेंगती है, यह तो समय ही बताएगा। केसरी उजाला न्यूज़ के लिए रजत धापुरकर की खास रिपोर्ट।